हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाए हूँ वो है एक ऐसी चीज़ के बारे में जैसे कि जो टॉप इनोवेशंस रही है, तो दोस्तों उसी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो स्टार्टिंग में स्मार्टफोन्स होते थे उनमें कुछ ऐसी ऐसी कमीज़ देखने को मिलती थी जो कि आज के स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बेजल लेस। दोस्तों, आज के स्मार्टफोन में आपको पॉपअप कैमरा मिलता है लेकिन जो क्लियर डिस्प्ले मिलती है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी एज नहीं रहता और थोड़ी भी बेजल नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, शुरू में अगर आप स्मार्टफोन के बारे में बात करें, जैसे कि जैसे ही 2008 में जैसे कि एप्पल कंपनी आई थी, मिले धीरे धीरे टाइम के साथ तो वो सारे बेजल्स हट गए। और दोस्तों, आज की डेट में आपको एक ऐसी स्मार्टफोन देखने को मिलता है जिसमें कि थोड़ा भी बेजल नहीं है। दोस्तों, सेकंड बात है टॉप पॉपअप सेल्फी, या फिर आप स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्मार्टफोन है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है और इनोवेशन भी सबसे बड़ी है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकती है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ है और क्या काफ़ी टाइम तक चल सकती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, स्लाइडिंग मैकेनिज्म में कभी भी ख़राब हो सकता है या फिर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों, उसने सबसे इजीली चीज़ की है, जैसे कि मैंने फर्स्ट उसमें कहा कि उसमें आपको क्लियर बेजल देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जो पॉपअप सेल्फी है वो कैमरा के लिए अच्छी रहेगी अगर आपको क्लियर डिस्प्ले ही स्मार्टफोन में चाहिए। तो दोस्तों, सबसे अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो आ रही है आपके सामने, जो फास्ट चार्जिंग और जो वायरलेस चार्जिंग। दोस्तों, डिसीजन आपका है कि आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर वायरलेस चार्जिंग चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अब आज के ज़माने में आपको अगर फास्ट चार्जिंग देखने को मिले तो आपके स्मार्टफोन को 30 मिनट में या फिर 35 मिनट्स में, जैसे कि सुपर वूक चार्जर ओप्पो का है तो वो कर देता है। और दोस्तों, अब स्मार्टफोन में आपको जो शाओमी ने भी एक फास्ट चार्जर को लॉन्च किया, उसका भी दावा है कि वो 25 मिनट्स में आपका स्मार्टफोन को फुली चार्ज कर देगा। अब दोस्तों, जिस टाइप से फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं तो फास्ट चार्जर्स एक काफ़ी बड़ी इनोवेशन है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और इनोवेशन बैटरीज की रिलेटेड ही है। दोस्तों, जो बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको अब वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, वायरलेस चार्जर का कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपके स्मार्टफोन में एक रिकॉइल्स लगी होगी और वो इन कॉइल्स के थ्रू आपके स्मार्टफोन को चार्ज किया जाएगा। और दोस्तों, फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन को एक लेज़र बीम या फिर आपके स्मार्टफोन को किसी तरह इस तरह से चार्ज किया जाए कि आपको अपना स्मार्टफोन किसी भी चीज़ में कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, इनोवेशन का कुछ भी इनोवेट हो सकता है। और दोस्तों, आने वाले टाइम में ये भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो फास्ट चार्जर है वो 3 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर, कम से कम 10 मिनट के अंदर आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर सके फुली चार्ज। तो दोस्तों, फ्यूचर काफ़ी ग्रेट है इसमें कि आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन इस फील्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों, जैसे कि ग्रेफाइन चीज जैसी चीज़ें हैं वो तो बहुत जल्दी बैटरीज में अगर यूज़ की गई तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और दोस्तों, अब अगली बात आती है जो आपको जो कैमराज है उनकी स्ट्रेंथ। दोस्तों, जो कैमराज है आज की डेट में आपको 48 मेगापिक्सल और क्वाड पिक्सल जैसे चीज़ें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जो क्वाड पिक्सल है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपके 1 पिक्सल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और दोस्तों, जो आपके पिक्सल्स की जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, जो कमियां अगर आपको देखने को मिलेगी तो उनको इम्प्रूव देखने करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, जिससे कि आपके एक जो 12 MP की कैमरा है, मेगापिक्सल का कैमरा है, उसी कैमरा को 48 मेगापिक्सल में थोड़ा ट्रांसपोज किया जाएगा। हाँ दोस्तों, काफ़ी यूनिक बात है और काफ़ी इनोवेटिव बात है। तो दोस्तों, अगर इसी तरह से मतलब कि रिसर्चिज होती रही, डेवलपमेंट होती रही, तो ज़रूर कभी ना कभी तो स्मार्टफोन के जो कैमराज है वो बहुत 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 ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इसमें इंक्लूड करते जाऊंगा मैं कि जैसे कि 192 मेगापिक्सल का कैमरा भी अब आ चुका है। दोस्तों, जो 192 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी इनोवेशन है। क्योंकि दोस्तों, इतना बड़ा कैमरा अगर स्मार्टफोन में यूज़ किया गया तो बहुत 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 बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों, प्राइस पॉइंट भी उसी तरह से हाई होगा, क्योंकि दोस्तों नई चीज़ है, प्राइस तो हमेशा जैसे इनोवेटिव चीज़ का वो हाई ही रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।